रेडियोलॉजी की फील्ड में मुझे अब 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो आज 6 साल बाद रेडियोलॉजी लेके मैं खुश हूँ या फिर मुझे रिग्रेट है रेडियोलॉजी लेने का, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। साथ में हम जो कॉमनली क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में अराइज करते हैं कि रेडियोलॉजी की सीट्स पहले से काफी बढ़ चुकी हैं, रेडियोलॉजी ब्रांच सैचुरेट हो गया है, अब आगे जाके पहले जैसे जॉब्स नहीं मिलेंगी, पहले जैसे सैलरी पैकेज नहीं मिलेगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, या आजकल जो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं डीएम या एमसीएच वाले वो अपने स्पेशलिटी के स्कैन्स खुद ही देख लेते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड कम हो गई है। इन सब बातों पर भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। 2017 में मैंने नीट पीजे क्रैक किया था, पर मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिर्फ रेडियोलॉजी ही लेना है। इसका एक मेन रीजन ये था कि रेडियोलॉजी में सारी ब्रांचेस का कन्वर्जेंस होता है, यानी एक रेडियोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्स एंड गायनी के स्कैन्स भी देखेगा, वो ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड भी करेगा, गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज वगैरह के भी केसेस को देखेगा, साथ में वो ऑर्थोपेडिक केसेस को भी देखेगा। मेडिसिन की कोई भी स्पेशलिटी हो, सारे के सारे केसेस रेडियोलॉजिस्ट के पास आते ही आते हैं, और साथ ही साथ रेडियोलॉजी में जो नंबर ऑफ मोडेलिटीज है वो भी काफी अलग अलग है। तो मेरा ऐसा मानना था कि रेडियोलॉजी में कोई इंसान बोर नहीं हो सकता, क्योंकि एक मोमेंट पे अगर वो कोई न्यूरोलॉजी का ब्रेन एमआरआई देख रहा है, तो दूसरे मोमेंट पे वो कोई मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई देख रहा होगा, देन अगले ही मोमेंट पे उसको ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड करना होगा या लेवल 2 स्कैन करना होगा, देन कोई पीडियाट्रिक पेशेंट उसके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये काफी वर्सेटाइल ब्रांच है, काफी डाइवर्स ब्रांच है। तो मुझे लगता है कि एमबीबीएस में हमने जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सबका यूज प्रॉपर तरीके से रेडियोलॉजी में होता है, क्योंकि रेडियोलॉजी में हर ब्रांच के पेशेंट हमारे पास आते हैं। अगर एक रेडियोलॉजिस्ट को क्लिनिकल नॉलेज भी ठीक ठाक है, तो साथ में वो रेडियोलॉजिकल नॉलेज के साथ मिलके एक अच्छा डायग्नोसिस बना सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्लिनिशियंस जो है उनके पास डायग्नोसिस बनी नहीं रहा, इट इज द रेडियोलॉजिस्ट हु फर्स्ट डायग्नोस द डिजीज और हु फर्स्ट गिव द क्लू कि क्या डिफरेंशियल हो सकते हैं और आगे क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। इसलिए एक कहावत है कि रेडियोलॉजिस्ट इज ए कंसल्टेंट ऑफ कंसल्टेंट्स, यानी जब बाकी ब्रांचेस जैसे कि सर्जरी के कंसल्टेंट या गायनी के कंसल्टेंट को डाउट होता है कि ये ट्यूमर कितना फैला हुआ है, इसने नर्व को इन्वॉल्व किया है कि नहीं, या फिर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ फैट प्लेन्स मेंटेन है कि नहीं, हमें सर्जरी में इसे रिसेक्ट करना है कि नहीं, इस तरह की जब उन्हें प्लानिंग करनी होती है तो उनके कंसल्टेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं केस को डिस्कस करने के लिए। तो आम भाषा में बोले तो रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ एक पेशेंट के लिए कंसल्टेंट नहीं है, बल्कि वो एक डॉक्टर के लिए भी कंसल्टेंट है दूसरी ब्रांचेस के। दूसरी जो अच्छी चीज मुझे लगती है रेडियोलॉजी में वो है वर्क लाइफ बैलेंस। जब मैं इंटर्नशिप में था तो सर्जरी में मेडिसिन में मुझे धूप में इधर से उधर भेजते रहते थे, कोई सैंपल कलेक्ट करने के लिए, पेशेंट की कोई रिपोर्ट ट्रेस करने के लिए, या कई तरह के क्लेरिकल काम्स कराने के लिए मुझे भेजा जाता था। पर रेडियोलॉजी में जब मुझे डेट लेने के लिए भेजा जाता था तो मैं देखता था कि वहां का एनवायरनमेंट पूरा ही अलग है। जैसे ही आप डोर ओपन करते हो सब कुछ एयर कंडीशन है, हालांकि वो एसी रेडियोलॉजिस्ट के लिए नहीं बल्कि मशीन्स की मेंटेनेंस के लिए लगे होते हैं, पर वहां का एनवायरनमेंट काफी डिफरेंट होता है, काफी पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई शोर शराबा नहीं है, सब लोग आराम से बैठ के केस डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपना लंच मंगा रहे हैं, बीच में कुछ और चीजें मंगा रहे हैं। ये एनवायरनमेंट मुझे काफी पीसफुल और काफी अच्छा लगता था, इसलिए मैंने रेडियोलॉजी लिया। और बाद में मैंने सेम एनवायरनमेंट पूरे थ्रू आउट द 6 ईयर्स ऑफ रेजिडेंसी इंक्लूडिंग पीजी एंड एसआरशिप में देखा भी। एक रेडियोलॉजिस्ट यूजुअली 9 to 4 या 9 to 5 में काम करता है, और उसमें भी उसका काम मोस्टली सेडेंटरी होता है, यानी एक डेस्क जॉब के जैसे होता है, उसे बैठ के ही काम करना है। तो कई लोगों को एमबीबीएस में वेरिकोज वेन वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है या उन्हें लॉन्ग स्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी रेडियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है। और 5 बजे के बाद भी अगर आप रेजिडेंसी करें तो आपको इमरजेंसी ड्यूटी करनी होगी, पर फिर भी जो रेडियोलॉजी की इमरजेंसी वो एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस लाइक सर्जरी या मेडिसिन काफी लाइट होती है। साथ में रेडियोलॉजी में जो स्कैन्स है जैसे कि सीटी या एमआरआई के स्कैन्स, आप घर पे बैठ के आराम से रिपोर्ट कर सकते हो। कोविड टाइम में भी हमने देखा था कि घर पे बैठ के आराम से सीटी या एमआरआई के स्कैन्स आप लैपटॉप पे रिपोर्ट कर सकते हो, उसकी रिपोर्ट को आप ईमेल या टेलीग्राम कर सकते हो, तो टेली रिपोर्टिंग पॉसिबल है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप अपने ईज पे, यानी कभी भी रात को केस ओपन करके रिपोर्ट कर दिया या फिर सुबह 6 बजे जल्दी उठ के रिपोर्ट कर दिया, आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडियोलॉजी में कॉम्प्लिकेशन होने का या फिर लिटिगेशन होने का चांस थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। बाकी ब्रांचेस में एक जैसे ही फायदा है कि पेशेंट डॉक्टर को काफी रिगार्ड करते हैं, या सर्जन या मेडिसिन के डॉक्टर को वो एक्चुअल डॉक्टर मानते हैं, रेडियोलॉजिस्ट को कई बार वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली डॉक्टर है, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। पर ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे तब आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने का टाइम मिलता है, पेशेंट के साथ अपनी एक रैपो बिल्ड कर सकते हो, और ये आपके हाथ में है कि आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हो और आप अपनी रैपो कैसे बनाते हो। अगर आप पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे, उसे कुछ सजेशंस दोगे, तो डेफिनेटली पेशेंट आपको भी रिगार्ड करेगा, या अगर आप उसकी बायोप्सी करते हो और उसका ट्रीटमेंट में किसी तरह से हेल्प करते हो तो फ्यूचर में वो आपको भी रिकॉग्नाइज करेगा। और यूजुअली जो वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के केसेस होते हैं वो इमरजेंसी रूम में या आईसीयूज में, ऐसी जगहों पर जहां पर टेंशन ज्यादा होती है, जैसे कि लेबर रूम, वहां पर होते हैं, जो कि वल्नरेबल एरियाज हैं। पर रेडियोलॉजी में यूजुअली जो सीटी रूम या अल्ट्रासाउंड रूम है वो इतना वल्नरेबल नहीं होता, और इसलिए रेडियोलॉजिस्ट के अगेंस्ट वॉयलेंस के जो केसेस हैं वो बहुत ही मिनिमल हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पे के ऊपर। तो एक अच्छी बात रेडियोलॉजी के साथ ये है कि आपको अर्ली इन योर करियर, जैसे ही आप एसआरशिप करते हो या फिर रेजिडेंसी पास करके निकलते हो, तो एक अर्ली पीक मिलता है। तो उसका फायदा ये कि जब आप अपने यूथ में हो, जब अपने प्राइम फेज में हो, तभी तो आपको पैसे की जरूरत है, तभी तो आपको घूमना फिरना है। तो उसी फेज में रेडियोलॉजी आपको पैसा ला के देती है, यानी एक अच्छी डिसेंट जॉब होती है जिसमें अच्छी अर्निंग होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सर्जरी या मेडिसिन में होगे तो आपको अपना नाम स्टैब्लिश करने में और एक पीक तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, ऑलमोस्ट एक डिकेड भी लग सकता है। और जैसा बोला जाता है कि एक डॉक्टर अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए कमाता है, वो बाकी ब्रांचेस में ट्रू है, बट रेडियोलॉजी इज एन एक्सेप्शन। रेडियोलॉजी में आप अपने यंगर फेज में ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि रेडियोलॉजी में आप अपना पीक अर्ली हिट कर लेते हो, बट वो प्लेटी हो जाता है, यानी उसके बाद और ज्यादा ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं होता है यूजुअली, अनटिल अनलेस आप अपना सेंटर खुद का खोलो। और क्योंकि रेडियोलॉजी में आपके पास अपना थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है, इसलिए आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। आपकी अगर कोई हॉबीज है जैसे कि फोटोग्राफी, या फिर आपको जिम ज्वाइन करना है, या फिर यूट्यूब करना है, तो आप उसमें फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के लिए ज्यादा टाइम निकाल सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप सर्जरी में हो तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि फैमिली को आपकी जरूरत है, या फिर आपको खुद रेस्ट करना है, बट आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, आप 72 आवर्स अपने वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, वार्ड में ही सो रहे हो और नहा भी नहीं पा रहे हो कई दिनों तक, तो इस तरह की सिचुएशन रेडियोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं होती। और इसके साथ ही रेडियोलॉजी में एक और ऑप्शन है कि सपोज आपको लगता है कि आपको भी एक सर्जन वाली फीलिंग चाहिए, आपको भी चाहिए कि आप पेशेंट को ट्रीट करो पूरी तरह से, तो आप इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में अप्रोच कर सकते हो, जिसमें आप मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के थ्रू, यानी एक जस्ट एक स्मॉल पंक्चर के थ्रू कैथेटर इंसर्ट करके पेशेंट की बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि पेरिफेरल आर्टरी डिसीज को, या वेरिकोज वेन को, या ब्रेन में जब स्ट्रोक आता है तो उसको भी ट्रीट कर सकते हो। पर अगर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात को छोड़ भी दिया जाए, तो रेडियो डायग्नोसिस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसी डिसीज का अगर डायग्नोसिस प्रॉपरली बन जाएगा तो उसका मैनेजमेंट होना काफी हद तक इजियर हो जाता है। क्योंकि दिक्कत यही होती है कि किसी भी डिसीज का डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहा, तो हम कौन सा ड्रग दें या कौन सा मैनेजमेंट चालू करें। पर एक बार अगर हमारा डायग्नोसिस बन गया, या फिर पिन पॉइंट 3 या 4 डायग्नोसिस हमारे पास आ गए जिनमें से हमें कोई एक पे फनल डाउन करना है, तो मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है। तो इसलिए रेडियो डायग्नोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेशेंट के ओवरऑल मैनेजमेंट में और ओवरऑल पेशेंट को ठीक करने में। साथ में रेडियोलॉजी में एक ये भी फायदा है कि आपकी मंथली पोस्टिंग या टाइमली पोस्टिंग चेंज होती रहेगी। आप अभी सीटी में पोस्टेड हो अलग कंसल्टेंट्स के साथ, अगले महीने आप एमआरआई में पोस्टेड होगे अलग कंसल्टेंट्स के साथ, देन आप एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में या डॉपलर में पोस्टेड होगे, और हर बार आपके साथ कंसल्टेंट्स अलग अलग होंगे। बट मेडिसिन या सर्जरी में क्या होता है कि आपको जाते ही एक यूनिट अलॉट हो जाती है, और आपको पूरे 3 साल में, यूजुअली ज्यादातर कॉलेजेस में ऐसे ही होता है कि पूरे 3 साल आपको उसी यूनिट के साथ रहना है, यानी वही कंसल्टेंट्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, और दूसरी यूनिट में चाहे कोई अच्छा कंसल्टेंट हो आप उसकी यूनिट में नहीं जा सकते। पर इस तरह से रेडियोलॉजी में नहीं होता, रेडियोलॉजी में हर महीने मोडेलिटी भी चेंज होती है और पोस्टिंग के कंसल्टेंट्स और ओपीजीस वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप अलग अलग एनवायरमेंट में काम करते हो, आपको बोरियत थोड़ी कम होती है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैंने रेडियोलॉजी को ज्वाइन किया और मैंने पूरी तरह से रेडियोलॉजी को एंजॉय किया। अगर आज भी मुझे कोई पूछेगा कि मेरा डिसीजन ठीक था कि नहीं, तो आई एम कंप्लीटली हैप्पी विद माय डिसीजन, एंड अगर आज भी मुझे कोई ऑप्शन देगा तो मैं फिर से रेडियोलॉजी को ही चूज करूंगा। अब आते हैं कुछ डाउट्स पे। लोगों को ये डाउट होता है कि नंबर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट बढ़ रहे हैं, रेडियोलॉजी की सीट्स काफी इंक्रीज हो गई है, जो रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, और इसलिए रेडियोलॉजिस्ट को जो पे पैकेज मिलता है वो कम हो जाएगा। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पहले जो रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड होती थी वो ज्यादा होती थी क्योंकि उनके नंबर कम होता था, पर आज मार्केट में बहुत ज्यादा रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, और जो नए नए रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर आपको साथ में ये भी समझना होगा कि अगर नंबर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट बढ़ रहे हैं तो साथ में पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज कर रही है। पहले इंडिया की पॉपुलेशन कुछ भी हो, पर आज इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज, अब लोगों को अवेयरनेस भी ज्यादा हो रही है। पहले लोग लेवल 2 वगैरह इतना नहीं कराते थे, पर आज के टाइम में लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है, लोग यूट्यूब पे देख के आते हैं। पहले इतना लेवल 2 वगैरह नहीं होता था, पर आजकल लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, एनटीएनबी स्कैन भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तो बता देंगे कि हमने एनटीएनबी भी कराया था, हमने डुअल मार्कर्स भी कराए थे, हमने लेवल 2 भी कराया था, हमने तो सब कुछ करा लिया था। तो इसलिए नंबर ऑफ स्कैन्स भी आजकल ज्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू बिफोर। और जो फीमेल रेडियोलॉजिस्ट है उसकी डिमांड तो हमेशा ज्यादा ही रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फीमेल पेशेंट्स या ऑप्स पेशेंट है, जो बाहर सबसे ज्यादा बल्क ऑफ पेशेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं, सबसे ज्यादा ऑप्स के स्कैन आपको करने होंगे बाहर जाके, वो कई बार प्रेफर करते हैं कि एक फीमेल रेडियोलॉजिस्ट ही उनका अल्ट्रासाउंड करे, या टीवीएस अल्ट्रासाउंड करे, या ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करे। इसलिए फीमेल रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड तो कभी कम हो ही नहीं सकती। जिस तरह से लोग फीमेल का स्कैन कराने के लिए फीमेल रेडियोलॉजिस्ट की ज्यादा डिमांड करते हैं, उसी तरह से ये भी देखा गया है, ऑल्दो इट इज सिली, कि लोग इंटरवेंशन कराने के लिए जो मेल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और दूसरी बात रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने की वजह से रेडियोलॉजिस्ट को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दी है, आप अगर इसको देखना चाहें तो उसको इस लिंक पे देख सकते हैं। तीसरा कन्फ्यूजन कई बार होता है कि फ्यूचर में जो डीएम या फिर एमसीएच रेजिडेंट्स होंगे हर ब्रांच के, जैसे कि न्यूरोसर्जन्स या न्यूरोलॉजिस्ट, वो अपने अपने ब्रांच के स्कैन्स खुद ही देख लेते हैं, उन्हें रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं है। ये बात भी कुछ हद तक ठीक है, पर जो भी डिलेमा वाले केसेस होते हैं,
थे कि ट्यूबरक्लोमा वर्सेस जीबीएम दैट इज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, इनके अंदर भी डाउट हो जाता है, इनमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। हमेशा कोई भी जो ट्रीटिंग क्लिनिशियन होगा दे वांट कि रेडियोलॉजिस्ट जो है वो रिटर्न में रिपोर्ट बना के दे, ताकि मेडिको लीगली हम उसके ऊपर डिपेंड कर सके, इनकेस अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रिपोर्ट शो कर सके। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेडिको लीगल पर्पसेस दे वांट द रिपोर्ट टू बी रिपोर्टेड बाय ए रेडियोलॉजिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि रेडियोलॉजिस्ट विल बी रिप्लेस्ड। और साथ में ये भी याद रखो कि इंडिया में आई थिंक ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 80% या 70% जो मेडिकल सेक्टर है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड है। बहुत सारे आयुष डॉक्टर्स या फिर कुछ हद तक झोला छाप डॉक्टर्स जो हैं, जो क्वैक्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं और वो स्कैन्स कराने के लिए भेजते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा स्कैन किस कंडीशन में कराना है। तो ऐसे में आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो स्कैन देख के अपने आप ही रिपोर्ट इंटरप्रेट कर लेगा, उसे रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं होगी। जो हम बात कर रहे हैं डीएम या एमसीएच रेजिडेंट्स की, वो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और वो भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ डॉक्टर्स हैं इंडिया में। जो मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं वो ऐसे नहीं है कि स्कैन देख के वो अपने आप ही डिसीज को इंटरप्रेट कर ले, क्योंकि जब आप रेडियोलॉजी में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि कई सारे प्रोफेसर्स भी होते हैं, जब उनको स्कैन दिखाए जाते हैं तो वो डिलेमा में पड़ जाते हैं कि ये कोलोन की थिकनिंग है तो ये टीबी की वजह से या फिर ये किसी मेलिग्नेंसी की वजह से, और उनका खुद का ऑपरेशन हो जाता है ये सोच के कि वो मेलिग्नेंसी होगा और बाद में पता लगता है कि वो टीबी है। तो रेडियोलॉजी में इतनी सारी कन्फ्यूजन होती है, तो रेडियोलॉजिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है। इमेजेस को देख के इंटरप्रेट करना और रिपोर्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि जो न्यूरोलॉजिस्ट है या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो अपने आप स्कैन देख के सब कुछ रिपोर्ट कर लेगा। तो फाइनली आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट रेडियोलॉजी बहुत अच्छी ब्रांच है। शुरू में आपको ज्वाइन करने के बाद मे बी आपको इनिशियली इसकी इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी और शुरू में आपको ये बोरिंग लग सकता है, बट एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के लिम में अगर थ्रोम्बस है किसी आर्टरी में, अब उसके लिम को काटना है, एम्प्यूटेट करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन आपकी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सर्जरी में कौन सी अप्रोच के थ्रू उन्हें ऑपरेट करना है, किस किस एरिया का इन्वॉल्वमेंट है, ये सब आप उन्हें बताओगे। तो जिस तरह से महाभारत में धृतराष्ट्र के पास आंखें नहीं थी और उसे पूरी महाभारत नैरेट की थी संजय ने, उसी तरह से मेडिसिन का संजय एक रेडियोलॉजिस्ट होता है। वो अपनी आंखों से इमेजेस को देखता है, इंटरप्रेट करता है और फाइनल डायग्नोसिस बना के देता है, और उसके बाद क्लिनिशियन उस डायग्नोसिस के बेसिस पर ट्रीटमेंट आगे चालू करता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है रेडियोलॉजी लेने का तो आप उसको जरूर लें।